हेलो एवरीवन, सोशल मीडिया आजकल हम सभी यूज़ करते हैं। ऐसे में बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, जिसमें से एक है फेसबुक। सो आज के वीडियो में फेसबुक अकाउंट है उसकी कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स बताते हैं। ये सिक्योरिटी सेटिंग्स अप्लाई करके आप अपना जो फेसबुक अकाउंट है उसको सिक्योर कर सकते हैं। आपके फेसबुक अकाउंट का अनऑथोराइज एक्सेस आप रोक सकते हैं, साथ में आपका जो अकाउंट है उसको हैक होने से रोक सकते हैं, एंड आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसको प्राइवेट कर सकते हैं। सो फेसबुक अकाउंट सिक्योरिटी की ये सेटिंग्स जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर वन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो फेसबुक अकाउंट में अगर हमें लॉगिन करना है तो यहाँ पे हमें अपनी फेसबुक आईडी की ज़रूरत होती है, साथ में पासवर्ड भी एंटर करना होता है। लेकिन यहाँ पे आप जो है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं, जो आपका जो अकाउंट है उसका अनऑथोराइज एक्सेस रोक सकती है, साथ में आपका जो अकाउंट है उसको हैक होने से रोक सकती है। सो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको ऑन करने का बेनिफिट क्या है। सो यहाँ पे अगर आपको अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करना है तो उसके लिए आपको अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करने होंगे। लेकिन यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको जो है एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मिलेगा। अगर ये ओटीपी आप एंटर करेंगे तभी आप अपने जो फेसबुक अकाउंट है उसमें लॉगिन कर पाएंगे। सो इस तरीके से आप अपना जो फेसबुक अकाउंट है उसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड कर सकते हैं, जो अनऑथोराइज एक्सेस को रोक सकता है, साथ में आपका जो अकाउंट है उसको हैक होने से भी रोक सकता है। सो आपके फेसबुक अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के लिए आपको फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब यहाँ पर प्रोफाइल आइकन को टैप करना है, सेटिंग का सिंबल देखने को मिलता है उसको सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पर नीचे की तरफ सिक्योरिटी वाला जो सेक्शन है उसमें सबसे पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड लॉगिन, इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में सबसे पहला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमें टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है एंड कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर आपको अपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया हुआ है उस पर एक कोड देखने को मिलेगा, वो कोड आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। कोड एंटर करने के बाद आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाएगा। नंबर टू, लॉगिन अलर्ट। सो जैसा इसका नाम है, अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको अलर्ट आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप किसी नए डिवाइस में लॉगिन करते हैं, यहाँ तक कि अगर आप नए ब्राउजर में भी लॉगिन करेंगे, फिर भी इसका अलर्ट जो है आपको अपने मैसेज में मिल जाएगा या फिर आपको इसके रिलेटेड ईमेल्स मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर किसी के पास आपके जो फेसबुक अकाउंट है उसकी लॉगिन डिटेल्स है एंड अगर वो लॉगिन करता है तो इसका अलर्ट आपको मिल जाएगा। तो ये सेटिंग अप्लाई करके आप अपने जो फेसबुक अकाउंट है उस पर नजर रख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सेटिंग का सिंबल है उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी में सिक्योरिटी एंड लॉगिन को सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे सेटिंग अप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एंड ई मेल्स दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है उसको ऑन कर लेना है एंड सेव कर लेना है। ये सेटिंग्स ऑन करने के बाद आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसमें लॉगिन अलर्ट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। नंबर थ्री, लॉक फेसबुक प्रोफाइल। सो यहाँ पे आप अपना जो फेसबुक अकाउंट है, आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है उसको लॉक कर सकते हैं। जैसे वीडियो में आगे जाए उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। अब यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल लॉक करने के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले तो अगर आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल लॉक की हुई है तो यहाँ पर आपकी जितनी भी पोस्ट है, फिर चाहे वो वीडियोस है, फोटोग्राफ्स है या रील्स है, ये सिर्फ आपके फेसबुक फ्रेंड्स देख सकते हैं। नंबर टू, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है एंड आपका जो कवर फोटो है इसको फुल साइज में सिर्फ आपके फेसबुक फ्रेंड ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा फुल साइज में इसे कोई भी ओपन नहीं कर सकता है। सो फेसबुक प्रोफाइल लॉक करके आप अपनी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन कर सकते हैं एंड आपका जो अकाउंट है उसको प्राइवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि अगर आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल लॉक की है फिर भी कोई भी आपको फेसबुक पे सर्च कर सकता है, आपकी प्रोफाइल विजिट कर सकता है, साथ में आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकता है, लेकिन आपकी जो डिटेल्स है, आपकी जो पोस्ट है वो हिडन रहेगी। फेसबुक प्रोफाइल लॉक करने के लिए आपकी फेसबुक प्रोफाइल को ओपन करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको लॉक प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करना है एंड लॉक प्रोफाइल को टैप करना है, तो आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है वो लॉक हो जाएगी। सो ये थी फेसबुक अकाउंट की कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स, जिसको अप्लाई करके आप अपना फेसबुक अकाउंट सिक्योर कर सकते हैं एंड प्राइवेट कर सकते हैं। ये था दोस्तों आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोज। स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।